ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। पखांजूर के परलकोट जलाशय में फूड ऑफिसर के 1.5 लाख का फोन गिरने और 21 लाख लीटर पानी खाली कराने के मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है और विपक्ष अब फूड ऑफिसर को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। दरअसल कोयलीबेड़ा ब्लॉक के फूड ऑफिस रविवार को छुट्टी मनाने खेरकट्टा जलाशय पहुंचे, जहां पर फूड ऑफिसर का महंगा फोन जलाशय के ओवरपुल में गिर गया, जिसके बाद फोन को ढूंढने की कवायद शुरू हुई और स्थानीय गोताखोरों को सफलता नहीं मिलने पर फूड ऑफिसर ने जलाशय में भरे 21 लाख लीटर पानी को खाली कराना शुरू कर दिया, जिसके लिए 30 एचपी की मोटर लगाई गई। गर्मी के दिनों में फूड ऑफिसर की यह करतूत जैसे ही मीडिया के माध्यम से सामने आई, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इसे गर्वो नवा छत्तीसगढ़ का परिणाम कहा और दोषी फूड ऑफिसर को बर्खास्त करने की मांग की। बस्तर क्षेत्र के पखंजूर इलाके में जो समाचार आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 21 लाख लीटर पानी एक महंगे मोबाइल को खोजने के लिए जो एक खाद्य अधिकारी का था, 21 लाख लीटर पानी वहां के अधिकारियों कर्मचारियों ने निकाल करके बहा दिया, जिससे 1,500 एकड़ खेत जो है वो पल सकता था, सिंचाई हो सकती थी। वो 21,000 लीटर पानी जिसको बहाया गया, जिसको निकाला गया जलाशय से, वो किसानों के खेत तक और निस्तारी तालाबों में पहुंच सकता था इस भीषण गर्मी में। लेकिन दुर्भाग्य इस कांग्रेस सरकार के जमाने में, इस भूपेश सरकार के जमाने में छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये गर्वो नया छत्तीसगढ़, गर्वो नवा छत्तीसगढ़ का एक जीवंत उदाहरण है। भूपेश जी, आपने उस लापरवाह अधिकारी को सिर्फ निलंबित किया है, ऐसे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता है। उस मोबाइल में ऐसी क्या चीज थी जो पूरे जलाशय को खाली कराना पड़ा? उस महंगे मोबाइल में हमें लगता है कि खाद्य विभाग में अभी जो प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है उसका डाटा रहा होगा, उसके सबूत रहे होंगे। उस अधिकारी के महंगे मोबाइल को सर्च किया जाए, उसकी जांच की जाए और ऐसे भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ की सरकार तत्काल प्रसारित करे। मामले को तूल पकड़ते देख फूड ऑफिसर राजेश विश्वास ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी कम करने के लिए जल संसाधन विभाग से सहमति ली थी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार विश्वास, खाद्य निरीक्षक यहाँ पखांजूर में पदस्थ हूँ। मेरा मोबाइल फोन गुम होना और पारनकोट जलाशय का पूरा पानी खाली करना के संबंध में मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ। ये घटना घटी थी रविवार को दोपहर को, जो हम दोस्तों के साथ वहाँ पे नहाने चले गए थे। नहाते वक्त, सेल्फी लेते वक्त, वो मोबाइल मेरा जो सैमसंग का मोबाइल है, वो जो डैम है पारनकोट जलाशय जो डैम है उसका जो ओवरफ्लो जहाँ से होता है, मतलब स्केल वाइज से ओवरफ्लो के जो टंकी में जो पानी स्टोर हो रहता है साल भर, तो वो पानी जो कि नॉन यूजबल है, वो पानी कभी वहाँ से निकल ही नहीं सकता। वहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो सिंचाई विभाग के SDO साहब से बात कर लेते हैं, अगर वो निकालने के अगर स्थिति में अगर होगा तो हम लोग फोन कोशिश कर सकते हैं। SDO साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा, चूंकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। तो उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। यही न्यूज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, बाकी मेरा पक्ष इतना ही है। वो पानी मैं जो खाली किया था, वो पानी मैं खाली करके नहर में ही डाला था, तो पानी यूजेबल नहीं था, मैं वो पानी यूजेबल कंडीशन में ला दिया।
फिलहाल गर्मी के दिनों में जलाशय के पानी को खाली कराकर मोबाइल खोजना कई सवालों को जन्म दे रहा है। विपक्ष ने मोबाइल को लेकर भ्रष्टाचार के डाटा का मोबाइल में होने की आशंका जाहिर की है। अब देखना है कि मोबाइल का यह मामला किस मोड़ पर जाकर समाप्त होता है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।